मोटरोला ने अपना नाक कटाने एक और स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है, मोटरोला एज 30। और इस स्मार्टफोन को नहीं लेना चाहिए मेरे अनुसार। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों नहीं लेना चाहिए यह स्मार्टफोन आपको, और जिस प्राइस रेंज पे यह स्मार्टफोन आता है इस प्राइस रेंज पे इससे बेटर स्मार्टफोन अवेलेबल है, तो इस स्मार्टफोन को लेना, फालतू का पैसा डुबाना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस स्मार्टफोन का अच्छे से सच्चाई आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। सबसे पहले इस स्मार्टफोन का प्राइस का अगर बात करें तो इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, उसका प्राइस 27,999 रुपया आता है, और 8GB रैम 128GB स्टोरेज, उसका प्राइस 29,999 रुपया आता है। तो 29,000 और 27,000 ये इसका मेन प्राइस पॉइंट है। तो चलिए इस स्मार्टफोन के अगर स्पेसिफिकेशन का अगर बात करें तो ये स्मार्टफोन जो है वर्ल्ड का सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है, और इस स्मार्टफोन को कंपनी इतना स्लिम बना दी कि इसमें मात्र 4000mAh का बैटरी दे। चलो ठीक है, 4000mAh का बैटरी दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप चार्जर 67W एटलीस्ट अगर देते तो चलता कि चलो भाई ठीक है 67W का चार्जर है, लेकिन मेरे समझ से अगर 4000mAh का बैटरी आप दिए हैं तो इसमें एटलीस्ट 120W का चार्जर आपको देना चाहिए था, और 120W के फास्ट चार्जर को ये फ़ोन सपोर्ट करे वो होना चाहिए था, जो कि वो सब मिसिंग हो गया है। अगर ये रहता तो शायद ये इस फ़ोन का जो नाक कटा है वो नहीं कटता, क्योंकि 15-16 हज़ार रुपया में सब कंपनी अप्रोक्स लगभग सभी 33W 37W इस तरीके का चार्जर हर लोग दे रहे हैं, और ये 29,000 रुपया में मात्र 33W का चार्जर, और ऊपर से बैटरी भी मात्र 4000mAh, ये बिल्कुल समझ से परे का काम किया गया है। और इस फ़ोन में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर दिया गया है, क्योंकि इतना स्लिमेस्ट स्मार्टफोन बनाने का क्या ज़रूरत था कि मात्र अगर ऐसा चार्जर ऐसा बैटरी देना पड़े जो कि मेरा नाक कटा ले, ये तो नाक कटा लिया। भले आप लोग को ये कड़वा लग रहा होगा या आप लोग में से किसी लोग को ये गलत भी लग रहा हो जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका सच्चाई यही है, आपको कड़वा लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। बात करें इसके प्रोसेसर का, इसमें स्नैपड्रैगन 778G प्लस प्रोसेसर मिलता है। थोड़ा दिमाग लगाया गया कि बाकी लोग सब 778G दे रहे हैं, तो चलिए हम इसमें 778G प्लस दे देते हैं, थोड़ा कुछ तो यूनिक होगा, क्योंकि कंपनी का सिंपल मकसद था कि 30,000 के रेंज में मुझे ऐसा स्मार्टफोन को लॉन्च करना है जो कि एकदम यूनिक हो, और इतना यूनिक हो गया कि बढ़िया सा नाकें कटा दिया। और वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले का, तो ये एक 6.5 इंच का OLED डिस्प्ले है, और लोग कह रहे हैं कि ये AMOLED डिस्प्ले से बढ़िया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बाकी कंपनी जो 1 लाख रुपए तक के स्मार्टफोन को लॉन्च कर रही है वो AMOLED डिस्प्ले दे रही है, सुपर AMOLED डिस्प्ले सब में मिल रहा है, तो वो सब तो बेवकूफ़ है ना, वो सब पागल हैं, क्योंकि वो लोग उतने हाई प्राइस पे मात्र सुपर AMOLED डिस्प्ले दे रहे हैं, और ये जो है 30,000 में सुपर AMOLED से भी बढ़िया डिस्प्ले दे दिए OLED डिस्प्ले, ये सब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, मेरे अनुसार ये नहीं है। और वहीं बात करें कि इसका रिफ्रेश रेट का, तो ये 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, और डिस्प्ले एक पंचोल डिस्प्ले है। वहीं बात करें इसके कैमरा का, तो ये ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है, 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, और साथ ही साथ 4K में 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। 4K पे 30fps पे भी रिकॉर्डिंग, 60fps भी नहीं दिया गया है, बस 30fps। वहीं बात करें फ्रंट कैमरा का, तो 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, और 4K में 30fps पे ही मात्र रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, और साथ ही साथ इसमें USB टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, डुअल नैनो सिम मिल जाएगा, और आप इसमें मेमोरी कार्ड भी नहीं लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें LED नोटिफिकेशन, LED फ्लैश जो डिस्प्ले पे ब्लिंक होता है जब नोटिफिकेशन आता है, वो भी नहीं मिलता है इसमें, वो सबको भी मिसिंग कर दिया गया है। और मेमोरी कार्ड तो नहीं लगा सकते हैं, बस 2 सिम लगा सकते हैं, और साथ ही साथ इसको इतना स्लिम बना दिया गया, इतना हथौड़ा मारा गया इस पर कि इस पे कि साइड में कोई छेद ही नहीं बचा कि जहाँ कि 3.5mm का एक प्यारा सा छेद मिल सके, वो भी गायब कर दिया गया इस स्मार्टफोन से। और साथ ही साथ इसमें FM रेडियो भी नहीं मिलता है, क्योंकि मोटरोला वाले कहना था कि अब तो मॉडर्न समय आ गया, FM रेडियो कौन सुनता है, अब तो सब लोग सुनते हैं स्पॉटीफाई को, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। और इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है, तो ये अच्छा बात लगा कि चलिए इस प्राइस रेंज पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, और वो भी स्टीरियो स्पीकर, तो ठीक है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे कौन नहीं दे रहा है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, हर कोई तो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल ही रहा है हर डिवाइस में, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिए कि बहुत ऐसा कोई स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज पे दिया ही नहीं, और आप तो वो फीचर दे दिए हैं। और मुझे तो लगता है थोड़ा सा और इसमें एक्सपेरिमेंट कर देना चाहिए था कि जो ये डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है ना, इसमें एक और चीज़ ऐड कर देना चाहिए था,
डॉल्बी एटमोस सपोर्ट और प्लस लोल्बी एटमोस सपोर्ट, तो ज़्यादा और यूनिक बन जाता स्मार्टफोन, क्योंकि इस स्मार्टफोन को तो सिर्फ यूनिक बनाना था ना, ऐसा यूनिक बना देना था कि ये जैसे ही लॉन्च होता 3 ही दिन में इसका इतना सेलिंग होता कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन ये बन जाता, बस यही मकसद था। तो टोटली इस स्मार्टफोन में जो अच्छाई बुराई था बता दिए, और इस स्मार्टफोन में मोटा मोटी मुझे इसमें 13 5G बैंड को ये सपोर्ट करता है ये एक अच्छा बात लगा, और इसका एक प्रोसेसर जो कि अच्छा है वो अच्छा बात लगा इसका प्रोसेसर। बाद बाकी चीज़ें जो है वो सब एवरेज है, इस प्राइस पॉइंट पे हर कंपनी दे रहा है, कोई नया बात नहीं है इसमें। और कैमरा भी एवरेज है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया कैमरा नहीं है, भले ही लोग इसको बढ़ा चढ़ा के कितना भी कुछ क्यों ना बोल दें तो वो लोग नहीं बोलते हैं, पैसा बोलता है। इस समझ से इस स्मार्टफोन को फॉरगेट कीजिए। इसके अलावा बाकी कंपनी भी है इस प्राइस पे, सोमी का 11i है, रियलमी 9 Pro Plus के साथ चले जाइए, या फिर आप 29,000 रुपया लगा रहे हैं तो थोड़ा सा 3-4,000 रुपया और लगा करके इससे भी बेटर स्मार्टफोन क्यों नहीं ले लेंगे, रियलमी GT 2 है। तो इस स्मार्टफोन को टोटली आपको नहीं लेना चाहिए, ये सब फालतू बस बकवास है। लेकिन अगर फिर भी इतना सब बात जानने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए तो बस वही बात है, दिल लगी दीवार से तो पड़ी क्या चीज़ है, तो आप इस स्मार्टफोन को बिल्कुल लीजिए। मुझे मेरा क्या जाता है, मुझे जो सच्चाई था वो बता दिए। वैसे मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।